हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ बनाने में ही आसान है बल्कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और ये स्पेशल आप कह सकते हैं कि विंटर मिस में ही खाई जाती है क्योंकि काफ़ी स्पाइसी होती है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करवा लिए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास काफ़ी सारी जो ये लाल मिर्ची है वो रखी है, ये मैंने भिगो के रख दी थी। और अब हम क्या करेंगे, ये गार्लिक, और ये देखिए गार्लिक मैंने छील के लिए हुए हैं और इन्हें हम मिक्सी में एक पेस्ट बनाएंगे। तो मैं ये सारी गार्लिक और ये जो मिर्ची है वो जार में डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने ये जो मिर्ची और गार्लिक थी वो डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून धनिया साबत वाला और साथ ही साथ जीरा। और अब मैं इसे महीन पेस्ट बना दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पेस्ट बना लिया है और इसे पीसते समय मैंने 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया था। और ये जो पानी हमारा बचा हुआ है जिसमें हमने मिर्ची भिगोई थी, यही पानी मैंने जो है इसमें डाल के इसे पीसा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ मैं 4 से 5 चम्मच दही डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे और अब मैं डालूंगी ये वाला मसाला जो भी हमने मिक्सी में पीसा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी स्पाइसी है। तो जी हाँ, हम इसमें पाउडर मसाले यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें इस तरह के खड़े मसाले ही यूज़ करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च और बाकी के जो पाउडर मसाले होते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये सारा जो चिकन है खड़े मसाले में ही बनेगा। सिर्फ पाउडर मसाले में हम डालेंगे नमक। तो नमक अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, बाकी जब सब्जी हम बनाएंगे तब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से ढक के रख दूंगी फ्रिज में और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 घंटे जो है हमने हमारे चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अब ये देखिए ये सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बनाने के लिए यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी। तो मैं 4 टेबलस्पून के आसपास ये मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम गरम कर लेंगे। तो हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डालूँगी ये हमारा दालचीनी, तेज पत्ता, जावित्री, 2 छोटी इलायची, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च और ये बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा। और इसके साथ मैं डालूंगी ये लहसुन जिसके मैंने टुकड़े काट रखे हैं। इस रेसिपी में लहसुन काफी मात्रा में जाएगा और साथ साथ मैं डालूंगी ये धनिया साबत, ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डाल रही हूँ मैं। और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। हम
यहाँ पर पिसे हुए मसाले नहीं डाल रहे हैं, तो ये जो हमारी हल्दी है इसकी गांठ है वो मैं डाल दूंगी। तो मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए हैं, मैं ये भी डाल दूंगी। इससे क्या है, हमारी सब्जी में कलर सा आएगा और बाद में हम इसे निकाल देंगे। तो गार्लिक जो है हमारे अच्छा से ये पक गए हैं। अब मैं यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ली थी जिसे मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिए हैं। इसे भी हम हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये लाल साबुत मिर्चे, मैंने दो लिए हैं जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इनके बीज जो है मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी स्पाइसी बना रहे हैं। पर अगर आप चाहें तो बीज के साथ भी इसको रख सकते हैं। इसको हम अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ ही। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारे जो हैं अच्छे से भून गए हैं और अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा चिकन है ना वो मैं सारा इसमें डाल दूँगी। और इसे जो है हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हम प्याज के साथ कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। सब्जी को भूनते हुए पूरे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो थोड़ा सा हम नमक हिसाब से डालेंगे और बाकी इसमें पिसा हुआ हमने कोई भी मसाला जो है ऐड नहीं किया है, सिर्फ ये खड़े मसाले में ही बनेगा और बहुत ही बेहतरीन ये बनेगा। इसे आप चपाती या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अगर स्पाइसी कम खाते हैं तो जो आप मिर्चें हैं जो हमने खड़ी साबुत मिर्चें डाली हैं उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी रंगत जो है आपको देखने को मिल रही होगी, काफ़ी अच्छे से भून भी रहा है। और यहाँ मैं ये दो लहसुन की गांठें डाल दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कीजिए, ये मुझे इसमें पर्सनली बहुत पसंद है तो इसमें मैं हमेशा ही डालती हूँ, पर ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। तो इसे मैं 2 मिनट और भूनूंगी इसी मसाले में। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया से जो है ये चिकन भून गया है। हमने टोटल इसे 10 मिनट इस तरह से भूना है लगातार हिलाते हुए। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि ये पीसेस भी छोटे थे और मैरिनेट हमने काफ़ी लंबे समय तक इसको रखा था और फिर इसे समय नहीं लगेगा ज़्यादा बनने में। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए ये जो मैरिनेट किया हुआ पानी जो बचा था मैंने इसमें डाल के ये कर लिया है। ग्रेवी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये थोड़ा स्पाइसी और कम ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में पका लूँगी ताकि जो चिकन है हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने हमारी सब्जी को 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है और मैं गैस को कर दूँगी बंद। और आप देख सकते हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। आप इसका टेक्सचर कलर सब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। और मैं मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतनी ही ग्रेवी देखिए रखी है, क्योंकि अगर आप राइस के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी सफिशिएंट है हमारे लिए तो मैंने इतनी ही रखी है। तो आप इसका कलर देख लीजिए, जबकि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पाउडर मसाला नहीं डाला है, सिर्फ खड़े मसाले से ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेहनत आपको पसंद आई हो और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
अगली बार एक और नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर।